ग्राफिक डिजाइनिंग में और प्रिंटिंग के फील्ड में बिल्कुल नए हैं आप, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, वो भी एक क्लिक में किस तरीके से कैलेंडर बन जाता है अपने आप, कुछ भी नहीं करना पड़ता, किस तरीके से बन जाता है वो आप देखिए। और उसके पहले मैं जरूर समझूंगा कि इसका खाका मैं बताऊं, इसका साइज बताऊं। साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिंटिंग फील्ड में, साइज सबसे पहले आता है, ठीक है ना। अगर आप डिजाइन करने बैठे हैं तो आपको सबसे पहले साइज देखना होगा, साइज किस साइज का हमें सेट करना है उसको डिजाइन। तो मैं सबसे पहले आपको साइज बताता हूँ, साइज बताने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैलेंडर कैसे एक क्लिक में झट से बन जाता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसके पहले ये भी जरूर समझता हूँ कि आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप फटाफट मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। ये है कोरल 17, ये मैंने एक नई फाइल बना रखा है, बिल्कुल A4 है। आपको बनाना है 15-20 साइज में कैलेंडर, 15-20 साइज में कैलेंडर बनाना है। वो कैसे आप बनाएंगे, आप ये देख लीजिए, कहाँ पे हेडर सेट करना, कहाँ पे फुटर हेड सेट करना, कहाँ पे कैलेंडर लगाना है, कहाँ पे डिटेल देना है, ये सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इंच ले लिया, यहाँ पर यूनिट इंच में ले लिया, यहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ 15 यानी 15x20 ऐसे कर दिया। ये 15x20 साइज का ये हमारा पेज बनकर तैयार हो गया। आपको कंटेंट के अकॉर्डिंग इसमें आपको स्पेस बनाना है कि कहाँ हमें कैलेंडर सेट करना है, कितना हेडर देना है, कितना फूटर देना है, उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। कभी कभी होता है कैलेंडर में मटेरियल ज्यादा होता है, कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें उस हिसाब से लेआउट करना पड़ता है। मटेरियल कम है तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर तकरीबन दे देता हूँ हेडर, इतनी दूर में हेडर बना देता हूँ। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जे करने के बाद ये हॉरिजेंटल दिखा रहा है। यहाँ पर मैं गए कंट्रोल जे करने के गाइड में, गए गाइड में हॉरिजेंटल ले लिया। हॉरिजेंटल लेने के बाद ये जो हम कोई भी गाइड देते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ दिखाता है, जो भी वैल्यू देंगे नीचे से ऊपर की तरफ देंगे। अब हमें इधर से देना है कितना, यहाँ पे 2 इंच ले लेते हैं, वैसे हाफ इंच तो कट हो जाएगा, 2.5 इंच यहाँ पे ले लेते हैं, 2.5 इंच यानी 2.5 इंच ले लिया, ऐड कर दिया। देखे यहाँ पर ये एक गाइड आ गई। अब यहाँ से और ऊपर चलते हैं, यहाँ से अब तकरीबन यहाँ की दूरी जो 6 इंच ले लेते हैं, 6 इंच यानी 20 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साहब, वो आएगा 14 इंच। यहाँ 14 कर दिया, अब मैंने कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन दे दूँ, यहाँ पर मैं छुट्टियों की लिस्ट दूंगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये कितना किया था, 2.5 किया था, तो 0.5 इंच या 0.25 इंच ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 इंच यहाँ पे कर देते हैं, 3.25 तो हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर ये छुट्टियों की लिस्ट इसमें हमें देना है। अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पर हमें अपना कैलेंडर देना है और इसी में हमें कंपनी का नाम वगैरह और वहाँ पे उसका पूरा डिटेल वगैरह देना है, और यहाँ पे फूटर देना है, कंपनी का एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारा चीज़ यहाँ पे देना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। अब एक यहाँ पे लिया मैंने रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पर इसका साइज हम कर लेते हैं छोटा, कितना 15 है तो 14 कर दिया, इधर 20 है तो 19 कर दिया, ऐसे कर दिया। करने के बाद इसको पी कर दिया, ठीक है, सेंटर में आ गया ये। अब इसी के अंदर अंदर सब कुछ हमें बनाना है। एक काम और कर लीजिए, अगर आपको बॉर्डर रखना है तो, बॉर्डर रखना है तो आप इसकी एक कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ मैं 13.5 इंच, यहाँ पर कर देता हूँ 18.5 इंच, तो ये हमारा हो जाएगा चारों तरफ से 0.25 का एक बॉर्डर सा बन गया ये, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अंदर मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ आपको अभी कैलेंडर बना के दिखाता हूँ बस। कैलेंडर कैसे ऑटो जनरेट कैसे करेंगे कैलेंडर का, यहाँ पर लेकर के मैंने एक ऐसे बॉक्स बना दिया, इतनी इसके अंदर अंदर मैं बॉक्स बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं 4 बॉक्स लेता हूँ, इधर से 3 लेता हूँ, मतलब ये महीने, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे करके यहाँ से क्या किया मैंने, डिवाइड बाई फोर कर दिया, इधर से डिवाइड बाई 3 कर दिया, ये यानी एक महीना हम इतनी दूर में सेट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल साइज बनके तैयार हो गया है ना। अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब इसकी कॉपी ले लिया, कॉपी लेकर के कंट्रोल एन किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर इसकी साइज ले लेते हैं हमें। ये ध्यान रखिए इसका साइज, इसका मेजरमेंट, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, बाहर क्लिक किया, यहाँ पर फिर इसका पेस्ट किया और फिर इसको साइज लिया, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया,
यानी इसी के साइज का एक हमारे पास पेज बन गया। अब क्या करना है, आपको चलना है टूल में, चलना है या मैक्रो पे चलना है, मैक्रो मैनेजर ये लिखा हुआ है, ऑल्ट शिफ्ट F11 या मैक्रो मैनेजर ये खुल के सामने आ गया। यहाँ पर क्रिएट कैलेंडर लिखा है, यहाँ जाएंगे कैलेंडर विजर्ड, फिर यहाँ विजर्ड, फिर यहाँ क्रिएट कैलेंडर, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब 2023 आने वाला है ना, 2023 तो यहाँ पे 2023 का बनाएंगे ना, 2022 का थोड़ी ना बनाएंगे। अब यहाँ पे कर दिया मैंने, ये लिखा जनवरी फरवरी, कितने महीने का बनाना है, पूरे महीने का बनाना है, ऑल कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ संडे लिखना है, यानी संडे से स्टार्ट करना है, ठीक है। हॉलीडे, हॉलीडे करते हैं, यहाँ पे हॉलीडे भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, नेट से देख करके आप यहाँ पे हॉलीडे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हॉलीडे लिखा हुआ है, यहाँ जनवरी करेंगे, या मंथ के नेम लिखे हैं जनवरी, फिर उसके बाद में यहाँ डेट लिख देंगे, डेट में उस डेट में कौन सा इवेंट है, वो इवेंट का नाम यहाँ पर लिख देंगे और इसको एंट्री कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा ना ऐड मॉडिफाई लिखा है, ये हाईलाइट हो जाएगा, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद अगले महीना, फिर उसमें जो जिस जिस तारीख में जो जो इवेंट है यहाँ पे देते जाएंगे, लिस्ट बन जाएगी। आ गया समझ में आपको। अब मैं कर रहा हूँ, ये लार्ज मंथ है, लार्ज मंथ ठीक है, लार्ज मंथ में कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे दिया गया है कि 10-10 mm की गैपिंग देना है, यहाँ पे 10-10 mm की गैपिंग, 10-10 mm की गैपिंग नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसमें दे दीजिए आप 2-2 mm की गैपिंग दे दीजिए, बस 2-2 mm की गैपिंग में दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट में चलता हूँ लार्ज हेडर, लार्ज हेडर पे गए। अब यहाँ से इसकी जो हाइट है ना, हाइट इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, हाइट मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हाइट बढ़ाने की, ये एडजस्ट नहीं होता हमारा, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ता है। अब हमने कर दिया एबव बॉर्डर, ये बॉर्डर वगैरह सब मैंने हटा दिया यहाँ से, ये बॉर्डर यहाँ पे था, यहाँ पर बॉर्डर हटा दिया। अब जो है इसकी पीटीएम बढ़ा देते हैं, ये वाला इसकी पीटीएम, टाइटल, टाइटल मतलब यहाँ पे इवेंट, और ये रखते हैं तकरीबन 14 है, तो इसको ये 16 कर दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर ये लिखा हेडर, हेडर में ये हो गया हेडर आपका, ठीक है, ये टाइटल हो गया हेडर, हेडर में ये लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे, ये हेडर हो गया। यहाँ पर चलते हैं, इसको आप दें या ना दें, यहाँ पे आप चाहे रहने ही दें, यहाँ पर कोई दे देते हैं तकरीबन 10 PT दे दिया, ओके कर दिया, यहाँ पे बड़ा बड़ा हो गया, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये भी हमने हटा दिया, यहाँ से इसका बॉक्स मैंने हटा दिया। और अब चलता हूँ मैं, यहाँ जो ये रेड कलर का संडे लिखा हुआ है, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। इसको बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया था, 10 कर दिया, 10 PT, 10 हो गया। अब चलते हैं लार्ज बॉडी, अब नेक्स्ट पॉइंट लार्ज बॉडी पर चलते हैं। अब ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे संडे मंडे इधर लिखा है तो ऐसे चाहिए तो ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, हमें ऐसे ही चाहिए। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया, डेमी किया, यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद अब मैं कर रहा हूँ 18 किया, यहाँ पे ओके कर दिया। ये जितनी तारीख है देख लीजिए, ये हाईलाइट हो गया, बड़ा बड़ा हो गया ये। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मून फेसेस, ये हटा देता हूँ मैं ये, और नेक्स्ट पे यहाँ पे चलेंगे, ये लिखा हाईलाइट संडे, हाईलाइट हॉलीडे, ठीक है, यहाँ 6 PT है, यहाँ पर वही किया मैंने, यहाँ पर 18 था, यहाँ 18 कर दिया, हॉलीडे को बड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ से कलर वैसे बेसिकली रेड ही दिया जाता है, ठीक है। ऐड हॉलीडे टेक्स्ट, हॉलीडे टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया हॉलीडे, यहाँ पे लिस्ट बना करके यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखेंगे 26 लिखा है जनवरी, यहाँ पे रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, तो उसकी पीटी हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं अपने आप, यहाँ 3.5 है इतना काफ़ी है, या यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कर लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे 4 कर दिया। मुझे लगता है तकरीबन सब कुछ ओके है, यहाँ से इसका बॉर्डर हटा देते हैं, ये सारा बॉर्डर मैंने हटा दिया, हटाने के बाद अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जनरेट करेंगे, अब इसका कमाल देखिए, एक ही क्लिक में सारा ये बनके तैयार हो गया, यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ये बनके तैयार हो गया, ये दिसंबर तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक हो गया। अब यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करके इधर लेके जाएंगे यहाँ, अब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसको, संडे मंडे कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं हटा दिया, इसको भी हटा दिया, जनवरी फरवरी भी हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ताकि ये हमारा डिस्टर्ब ना करे। एक यहाँ पे एक बॉर्डर लेता हूँ, इसे एक बॉक्स बनाता हूँ, थोड़ा सा इतनी दूर में ले लिया ये। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू किया मैंने, कंट्रोल क्यू करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूँ कुछ इस अंदाज में। एक मैंने कॉपी अलग से ले लिया, एक कुछ इस तरीके से ऐसे बना दिया, इसको और बड़ा कीजिए, और बड़ा कर दिया,
और आपको पहले यहाँ पे सेट करके इसको देख लेना है, यहाँ पे जो है ना इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे देख लेना है आपको कि कितनी दूर में आपको चाहिए, और इसको चाहे थोड़ा सा और नीचे ऐसे कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, एक बार और क्लिक कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। इसको कॉपी करके ऐसे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे ड्रैग करके लेके आता हूँ, हल्का सा ऐसे कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया, इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऐसे कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा इधर लेके गए ये यू, और इसको और थोड़ा सा इधर लेके गए, इतना काफ़ी है। इसमें हम कोई कलर दे देते हैं, कोई लाइट कलर, येलोइश हल्का सा दे देता हूँ मैं। इसमें 10% किया, 80% किया, ये इस तरीके कलर दे दिया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें कोई कलर और दे देता हूँ, ब्लू कर दिया। इसमें ग्रेडियंट दे देता हूँ, या ग्रेडियंट ना भी दीजिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देख रहे ना कितना प्यारा लग रहा है अभी। अब ये जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी को आप यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लेके आइए, इसको बड़ा कर लीजिए, ये बड़ा कर दिया मैंने जनवरी। अब यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर 01 कर दिया, 01 करके यहाँ पर इसको ये कलर दे दिया। अब यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे संडे मंडे लिखने के लिए, संडे मंडे यहाँ ऐसे कर देंगे। यहाँ करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ मैं 7 से डिवाइड कर देता, डिवाइड बाई 7। इसको और हल्का सा छोटा कर दीजिए, छोटा करने के बाद इसको ऐसे लेके आइए साहब, इसको ऐसे कंट्रोल आर 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 करते जाइए। ये कितना हो गया, ये सेट हो गया, यहाँ तक पूरा फिट बैठ गया। अब इसको कोई कलर दे दीजिए, यहाँ से ये कलर दे दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करें, इसकी कॉपी लेकर के इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करके इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ हटाइए, और यहाँ इसको रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से मैंने 5 कर दिया। और इसको भी थोड़ा सा और चाहे अंदर में ले लीजिए, इतना ले लिया मैंने, इसको भी थोड़ा सा और दबा देते हैं हल्का सा, इसको भी इसी के अंदर अंदर में रखना है, कुछ गैपिंग भी चाहिए हमें। गैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें स्पेसिंग सही देना है, ये स्पेसिंग में क्या कर रहा हूँ, ये शिफ्ट सी कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके एक कोई यहाँ F11 कर रहा हूँ, F11 करके यहाँ पर चलेंगे, इस पर यहाँ चल के इसको कोई और कलर दे देता हूँ मैं, इसको हल्का सा चाहे रेडिश कर दीजिए, 5% रेड, 20% इसको ऐसे कर दिया मैंने इस तरीके से, या इसको थोड़ा सा और रेडिश कीजिए, इसको 15% करके, बल्कि इसको 5% कर दीजिए, अब कुछ इस तरीके से। इसको ग्रुप कर लिया, ग्रुप करने के बाद अब क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको लाके उठा के ऐसे रख दीजिए, इसको अप कर लीजिए, यानी इसको जो है शिफ्ट पेज अप कर लीजिए, यह ऊपर आ गया। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संडे मंडे, जैसे संडे लिख दिया, छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको कोई फ़ॉन्ट और चेंज कीजिए आप, ये वाला फ़ॉन्ट कर दिया मैंने, ये फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, कंडेंस फ़ॉन्ट है, अच्छा ये। और यहाँ किया राइट क्लिक करके मंडे, ये आपके सामने बिल्कुल बनके तैयार हो गया। यहाँ पे देखेंगे रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, इसको उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा, और एक गलती ये हुई है, यहाँ पे डेमो फ़ॉन्ट हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, वहीं पे करना चाहिए था, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है, यहाँ यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद, यहाँ इसको क्लिक करके यहाँ पर ऐसे करके ये आप ऐसे सेट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ से गैपिंग दे दीजिए आप इधर के साइड में, यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, आ जाएगा अपने आप, ये बनके आपका तैयार हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, और ये जो इसकी आउटलाइनिंग थी इसको आपको हटा देना है, ये आउटलाइनिंग इसकी हटा दीजिए, ये जितने भी आउटलाइनिंग आपको दिखी ये सारी आउटलाइनिंग आप हटा दीजिए। यहाँ से लेके आएंगे जनवरी का हो गया, आप यहाँ फरवरी के लेंगे, फरवरी के लेने के बाद अब आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, आप जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद ये तो ग्रुप है ही, इसको हटाइए, ये इस तरीके से आके भैया सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है फरवरी दे देना है, बस फरवरी यहाँ पे 2 दे देना है। अब चाहे यहाँ पे कलर चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप पूरा कैलेंडर एक क्लिक में बनाने के बाद इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है 15-20 साइज में,
यहाँ पे हेडर हो जाएगा, यहाँ पे फूटर हो जाएगा, यहाँ पर जो है हॉलीडे लिस्ट हो जाएगी, जिस तरीके से मैंने इस कैलेंडर में बना रखा है। आप इसको देखेंगे, यहाँ पर ये हॉलीडे लिस्ट हो गई इस अंदाज में मैंने बना रखा। देखिए, तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।